टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत ने लंदन ओलंपिक्स को पीछे छोड़ दिया है। शनिवार 7 अगस्त को खेले गए फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलो के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाजबेकोव को 8-0 से हराकर कुश्ती का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसके बाद आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा की इस मेडल जीत के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। लंदन ओलंपिक में 6 मेडल के बाद अब टोक्यो में भारत के खाते में 7 मेडल आ गए हैं। बजरंग पुनिया की जीत के साथ भारत ने कुश्ती में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। भारत ने ओलंपिक्स के इतिहास में कुश्ती का कुल मिलाकर 7वां मेडल जीत लिया है, जबकि टोक्यो में कुश्ती का भारत का ये दूसरा मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में बजरंग का मुकाबला कजाकिस्तान के पहलवान से था। ये वही पहलवान थे जिन्होंने 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को हराया था, लेकिन इस मुकाबले में बजरंग कजाकिस्तानी पहलवान पर चौतरफा भारी पड़े। शुरुआत से ही उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। मैच का पहला पॉइंट नियाज़बेकोव पर पैसिव पेनल्टी के चलते बजरंग के खाते में आ गया। इसके बाद नियाज़बेकोव ने तुरंत वापसी की कोशिश की और बजरंग को बैकफुट पर धकेला, लेकिन बजरंग ने शानदार डिफेंड करते हुए खुद को खतरे से बाहर निकाल लिया। पहले पीरियड के खत्म होने तक बजरंग ने कोई भी पॉइंट नहीं गवाया और अपनी लीड को दोगुना कर दिया। दूसरे पीरियड में तो बजरंग ने कजाकिस्तानी को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने टेक डाउन के जरिए 2 पॉइंट कमाए और 4-0 पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने शानदार तरीके से आक्रामक कुश्ती दिखाते हुए मैच में 8-0 की बढ़त लेकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ बजरंग पुनिया ने अपने मेंटोर योगेश्वर दत्त के लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल की बराबरी कर ली है। योगेश्वर ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में 60 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग की इस जीत के साथ भारतीय कुश्ती दल का सफर टोक्यो ओलंपिक्स में खत्म हो गया है। कुश्ती में बजरंग के अलावा भारत के लिए रवि कुमार दहिया ने 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो में बजरंग पुनिया के सफर की बात करें तो उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ईरान के मोर्तेजा ग्यासी को हराया था। इसके बाद उन्होंने राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान के अकमातालिव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन इस शानदार कैंपेन का गोल्ड या सिल्वर का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया जब अजरबैजान के पहलवान हाजी एलियेव ने उन्हें सेमीफाइनल में हरा दिया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लनटॉप। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ ज़रूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो वैक्सीन भी ज़रूर लगवा लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।